का घेरा तोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी पर जिस तरह से हमला हुआ है, हम लोग तो कह रहे हैं कि ये सरकार फेल है, ये डीजीपी खत्म। ये दुखद घटना है और इसमें सबको गंभीरता से बात करनी चाहिए। ये तो महोदय राजनीति नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के अगर मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों का क्या होगा। आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद में आज विपक्ष की तरफ से सीएम नीतीश कुमार के ऊपर हुए हमले को लेकर हंगामा किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अचानक ही एक युवक अगर सीएम नीतीश कुमार पर मुक्का चला सकता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी है। इतना ही नहीं, विपक्ष का ये भी कहना है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और इसी को लेकर ये जीती जागती जो तस्वीर है वो बिहार के बख्तियारपुर से देखने को मिली, जब अचानक ही एक युवक सीएम नीतीश कुमार को आकर मुक्का लगा देता है। ऐसे में आपको बताएं कि विपक्ष की तरफ से बिहार विधान परिषद में हंगामा किया जा रहा है और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को फेल मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें बिहार विधानसभा से देखने को मिल रही और किस तरह से विपक्ष की तरफ से हंगामा करते हुए सीएम नीतीश कुमार के सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना है विपक्ष का, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। सरकार अकल तथा कथित कुछ लोग जो सुरक्षा घेरा तोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी पर जिस तरह से हमला हुआ है, तो हम लोग तो कह रहे हैं कि ये सरकार फेल है, ये डीजीपी खत्म। ये दुखद घटना है और इसमें सबको गंभीरता से बात करनी चाहिए। ये तो महोदय बहुत राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं महोदय, माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह, माननीय सदस्य कोई भी घटना इस तरह की बहुत ही दुखद है, संवेदनशीलता के साथ इस पर गंभीरता से विचार होनी चाहिए। बैठ जाइए सब लोग। सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, सरकार सजगता से। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक युवक ने जो बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से वो विक्षिप्त है और कई घटनाएं उसके साथ हो चुकी है, फिर भी यह घटना जो हुई है यह दुखद है, सरकार सभी पहलुओं पर गौर कर रही। चलिए अब हो गया, अब ये नहीं, ये विषय। माननीय सदस्य सुधाकर सिंह, अनुपस्थित हैं। बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठ जाइए। महोदय बैठ जाइए, सभी सदस्य आप बैठ जाइए। महबूब